दिग्विजय सिंह जी, प्रमोद तिवारी जी, जगदंबिका पाल जी, संतोष सिंह जी, जस्टिस के मिश्रा जी, चुनन राय जी, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। दूर दूर से आए हैं, ठंड का समय है और मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आप यहां ठहरे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ...2004 से दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यूपीए की सरकार है। इस सरकार को आपने चुना, आप लाए इस सरकार को। जब हम चुनाव लड़ रहे थे 2004 का, हमने सिर्फ एक वायदा किया था। बाकी पार्टियां आती हैं, 10-15 वायदे कर जाती हैं, चली जाती हैं। हमने आपसे सिर्फ एक बात कही थी, हमने कहा था अगर यूपीए की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, तो आम आदमी की सरकार होगी, गरीबों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी, आदिवासियों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, किसान की होगी, मजदूर की सरकार होगी, उन लोगों की होगी जो कमजोर हैं और जिनकी शक्ति से ये देश आगे बढ़ता है, जिसकी शक्ति से प्रगति आई है। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे और आप उनको अच्छी तरह जानते हैं। 5 साल उन्होंने सरकार चलाई थी, उन्होंने आपको अंग्रेजी में नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग। आपको याद होगा, कोई बता सकता है इसका मतलब क्या है? हिंदुस्तान चमक रहा है, हिंदुस्तान चमक रहा है। उन्होंने आपसे कहा कि हिंदुस्तान चमक रहा है, अंग्रेजी में कहा। आपके घरों में नहीं गए, पत्रकारों ने उनके नेता से पूछा ये नारा आपको कहां से मिला? कांग्रेस पार्टी बात करती है गरीबों की, पिछड़ों की, कमजोर लोगों की। कांग्रेस पार्टी कहती है आम आदमी की सरकार आनी चाहिए, ये आपने अंग्रेजी में नारा कहां से ढूंढ निकाला? और उनके सबसे बड़े नेता ने कहा कि भैया एक रात मैं अपने घर में टेलीविजन देख रहा था, टेलीविजन में एक इश्तेहार आया, उस इश्तेहार में एक आदमी खड़े थे, सूट पहने थे और नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग, और मैंने ये इश्तेहार से अपना नारा निकाला, पूरे हिंदुस्तान को हमने ये नारा दिया। अब देखिए, एक बार आपके घर नहीं गए, गांव में पैर नहीं रखे, आपके घरों में भोजन नहीं खाते, आपके कुएं में जो गंदा पानी है उसको नहीं पीते, बंद कमरों से कहते हैं, टीवी को देख के कहते हैं इंडिया शाइनिंग। किसका इंडिया शाइनिंग? क्या आपका इंडिया चमक रहा था? नहीं चमक रहा था। गांव में हिंदुस्तान चमक रहा था? नहीं चमक रहा था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। हिंदुस्तान चमक नहीं रहा था और हिंदुस्तान आज भी नहीं चमक रहा है। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं, क्योंकि जिस दिन तक इस देश में एक भूखा व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति है, एक कमजोर व्यक्ति है, उस दिन तक यह देश नहीं चमक सकता।
हमारी सरकार बनी, क्या किया हमने? पहला काम मनरेगा। क्यों किया हमने? किसी एक जात के लिए नहीं किया, किसी एक धर्म के लिए नहीं किया, हिंदुस्तान के लिए किया, हिंदुस्तान के हर गरीब के लिए किया। आपके पास आए हम, टीवी से नहीं बनाया, इश्तिहार देखकर नहीं बनाया, आपके पास आए, आपसे पूछा क्या कमी है, क्या करना चाहिए। आपने हमें बताया कमी रोजगार की है, शहरों में रोजगार मिल जाता है, अमीर लोगों को रोजगार मिल जाता है, गरीब लोगों को नहीं मिलता, गांव में रोजगार नहीं मिलता। रोजगार का अधिकार दीजिए। आपकी बात मानी, आपकी बात सुनी, रोजगार का अधिकार दिया। मायावती जी ने क्या कहा, खड़ी हो गई ऐसे भाषण में, तारीख दे देता हूं आपको, 9 अक्टूबर 2007, और कहती है मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होने वाला। एनडीए के लोग खड़े हो गए पार्लियामेंट हाउस में, छाती फुलाई उन्होंने और कहा पैसा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में जो प्रगति आई है, जो हिंदुस्तान आगे बढ़ा है, गरीब के खून से, गरीब के पसीने से आगे बढ़ा है। अगर ये पैसा बना है, अगर ये किसी का पैसा है, ये गरीबों का पैसा है, पिछड़ों का पैसा है, युवाओं का पैसा है, गांव में जो लोग हैं रहते हैं उनका पैसा है। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के सवाल से। हम सिर्फ आपका पैसा आपको देते हैं, ये मनमोहन सिंह जी का पैसा नहीं है, ये अडवाणी जी का पैसा नहीं है, मायावती जी का पैसा नहीं है, राहुल गांधी का पैसा नहीं है, ये आपकी मजदूरी का पैसा है, आपके खून का पैसा है, आपके पसीने का पैसा है। और यूपी का युवा, यूपी का युवा यूपी में काम नहीं कर सकता, महाराष्ट्र जाता बेचारा मजदूरी करता है। दिल्ली में आपने मेट्रो बनाई, पूरी दिल्ली घूमती है मेट्रो पे, रात को दिल्ली सोती है, यूपी का मजदूर जागता है, यूपी का मजदूर जागता है, उसके बच्चे गांव में सोते हैं, भूखे सोते हैं उसके बच्चे, आधी रोटी खाते हैं। और ये लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, पैसा हम दिखाएंगे कहां से आएगा, आपका पैसा है आप तक पहुंचाएंगे उसको। रोजगार के अधिकार की बात की, मायावती जी खड़ी हो गई, कहती है भैया मजाक है, हजारों करोड़ रुपए भेजे हैं कांग्रेस पार्टी ने, चोरी कर लिए, लखनऊ में पालतू हाथी बैठा रखा है, पालतू हाथी बैठा रखा है। आमतौर से हाथी सड़क पर चलते हैं, पत्ते खाते हैं, घास फूस खाते हैं, मायावती जी का जादू का हाथी गरीब व्यक्तियों, गरीब लोगों के पैसा खाता है, आपके नोट खाता है। मनरेगा में पैसा भेजा, हड़प करके खा गया। शिक्षा के अधिकार में बच्चों के लिए भोजन का पैसा भेजा, हाथी खा गया, हजम कर गया। अब हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इस देश में कोई भूखा ना रहे। आप प्रगति लाए हो, गरीब जनता काम करती है और आप भूखे रहते हो। हमने कहा कि एक बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, बिल लाए हम। मायावती जी क्या कहती है, नाटक है, किसी को फायदा नहीं होगा। बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग छाती फुला के पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, हम दिखाएंगे इनको पैसा कहां से आएगा, हम दिखाएंगे आपका पैसा है आप तक पहुंचा के दिखाएंगे।
21वीं सदी में जादू का हाथी, एक तरफ जादू का हाथी आपके पैसे खा रहा है। कुछ दिन पहले मैं लखनऊ में एयरपोर्ट से आ रहा था और एक वहां पे मुझे इश्तिहार दिखा, बड़ा सा, उम्मीद की साइकिल। और मैंने सोचा, भैया ये किसकी उम्मीद की बात कर रहे हैं? तीन बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, आपने उन पे उम्मीद की, तीन बार साइकिल पंचर हुई धड़ाम से। 2007 में जब आपने साइकिल को उठा के फेंका इस साइड, क्यों फेंका मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि पुलिस स्टेशन में गुंडे घुस पड़े थे, आम आदमी पुलिस स्टेशन में जा भी नहीं पाता था, पहली बात। दूसरी बात, पूरे उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था। पता है उम्मीद कौन कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद नहीं कर रही है, गुंडे उम्मीद कर रहे हैं कि साइकिल आ जाए, कि भैया हमारा एक बार फिर राज आ जाएगा। एक तरफ जादू का हाथी, दूसरी तरफ उम्मीद की साइकिल। 22 साल से लगे हुए हैं, साइकिल हाथी, हाथी साइकिल, साइकिल हाथी, और बीच में यूपी की जनता पिस रही है, विकास नहीं हो रहा, अस्पताल नहीं चल रहे, स्कूल नहीं चल रहे, रोजगार चाहिए, जाइए महाराष्ट्र जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जाइए दिल्ली जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जाइए केरल जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जाइए आंध्र जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, असम जाइए, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां काम ढूंढने जाना पड़ता है। और ये लोग कहते हैं, भैया उम्मीद की साइकिल, जादू का हाथी, 21वीं सदी है, ना साइकिल से काम होगा ना हाथी से। मैं आपको बताता हूं काम कैसे होगा। यहां पे युवा के जो जोश है ना, ये जोश काम करेगा, ये जोश उत्तर प्रदेश को बदलेगा। और ये जो साइकिल है और ये जो हाथी है, इसको उठा के ये फेंकेंगे दूर। क्यों फेंकेंगे? क्योंकि ये लोग जात के पीछे छुपते हैं, धर्म के पीछे छुपते हैं। आजमगढ़ ने पूरे देश को दिखाया है कि ये देश हर जात का देश है, हर धर्म का देश है, युवाओं का देश है, प्रगति का देश है, विकास का देश है। बाकी देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश हर प्रदेश को मदद करता है, महाराष्ट्र को बनाया, दिल्ली को बनाया, पंजाब हरियाणा को बनाया, और आप अपने प्रदेश को भूल गए। हम यहां हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं आपके लिए, गायब हो जाता है। आपके नेता हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, पिछले 5 साल में आपने एक बार मायावती जी को गांव में देखा? आपने एक बार मुलायम सिंह यादव जी को गांव में देखा? आपने एक बार उनको खाना, गांव में खाना खाते हुए देखा? कुएं का गंदा पानी पीते हुए देखा? तो क्या बात कर रही है विकास की? विकास के बारे में आप समझते हो, युवा समझता है, गांव में जो बैठा है वो समझता है। ये नेता जो हवा में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ते हैं, टीवी से नारे उतारते हैं, इनको कोई समझ नहीं है, कोई समझ नहीं है विकास के बारे में। हम अधिकार की बात करते हैं, भोजन का अधिकार दिया, रोजगार का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। क्या दिया इन लोगों ने आपको 22 साल? क्या दिया बताओ मुझे अभी? युवाओं को क्या दिया? बुंदेलखंड गया मैं, बुंदेलखंड गया, बुंदेलखंड के लोग रो रहे थे, क्या कहा उन्होंने मुझे, बताता हूं आपको। हाथ जोड़ के कहते हैं, राहुल जी
यूपी की सरकार हमें भूल गई, हम मर रहे हैं, यहां पे मदद कीजिए, बुंदेलखंड पैकेज लाए, बुनकर आए हमारे पास, हाथ जोड़े राहुल जी प्रधानमंत्री जी के पास ले जाइए, हमें और कोई नहीं बचा सकता, हम मर रहे हैं। मायावती जी के पास गए, मुलायम यादव जी के पास गए, भगा दिया हमें, बात नहीं की, उठा के हटा दिया, हम ले गए प्रधानमंत्री जी के पास, हजारों करोड़ रुपए आपको दिए। यहां पास में मैं गांव में गया, मैं आपको आम आदमी की बात बताना चाहता हूं, एक गांव में गया और वहां फैजान एक लड़का, उसने मुझे बताया, राहुल जी ये जो आप बुनकर पैकेज भेज रहे हैं, ये आप सीधा हमारे खाते में डालिए, ये आप लखनऊ मत भेजिए, ये आप सीधा हमारे खाते में डालिए, चूहे खा जाते हैं, चूहे खा जाते हैं, हाथी खा जाते हैं, साइकिल खा जाती है, पता नहीं अजीब चीजें खाने लग गए हैं। उसने मुझे कहा कि देखिए खाते में डालिए पैसा, लखनऊ मत भेजिए, सोसाइटीज को मत दीजिए। हमने पूरा बुंदेलखंड पैकेज बदला और आज अगर बुंदेलखंड पैकेज से आपको सफलता मिलेगी, आम आदमी के कारण मिलेगी, जिसने सरकार को बताया, दिल्ली की सरकार को बताया, बड़े बड़े अफसरों को बताया कि अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं तो इस प्रकार भेजिए। बुनकर क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, क्यों हो रही है, आपने बताया, धागे पे 10% सब्सिडी क्यों मिल रही है, आपने बताया, ये हमने टीवी में नहीं देखा, आपके घरों में आए, आपसे बात की, आपसे पूछा और आपने बताया। कर्जा माफी कैसे की, टीवी पर नहीं देखा, इश्तेहार से नहीं देखा, आपके पास आए, आपने हमें कहा बैंक के दरवाजे बंद है, खोलिए, मर रहे हम। कर्जा माफी 60,000 करोड़ रुपए की दी, फायदा हुआ आपको, हिंदुस्तान आगे बढ़ा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और इस बात को आप कभी मत भूलो, 5 साल में अमेरिका में पढ़ा, इंग्लैंड से मास्टर लेके आया हूं, मगर जितना आपने मुझे सिखाया है, हिंदुस्तान की आम जनता ने, गरीब जनता ने, जितना आपने मुझे सिखाया है कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं नहीं सीखा। हर रोज आप मुझे सिखाते हो, अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, आपकी आवाज सुनने की जरूरत है। जिस दिन आपके नेता आपकी आवाज सुनना शुरू कर दें, जिस दिन यूपी के युवा की आवाज सुनना शुरू कर दें, उस दिन यूपी में प्रगति आएगी। जिस दिन वो अपने हेलीकॉप्टर से उतर जाए, जिस दिन वो टीवी से नारे देना बंद कर जाए, उस दिन यूपी प्रगति करेगा, कोई नहीं रोक सकता इस प्रदेश को। साइकिल की थोड़ी और बात करना चाहता हूं, पंचर साइकिल की बात करना चाहता हूं, उम्मीद की बात करते हैं, उम्मीद की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, 2009 में समाजवादी पार्टी के लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे सामने चुनाव जो है 2009 का मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है हमें चुनाव, कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को मिल जाना चाहिए, एक साथ अलायंस करना चाहिए, अगर हम अलायंस करेंगे 60-70 सीटें आएंगी, आप दिल्ली में सरकार बनाइए और हम यूपी में होंगे। यूपी में नहीं, सुनिए, यूपी में कांग्रेस पार्टी कमजोर है, आप 5 सीटें लीजिए, हमें आप बाकी सीटें दीजिए। हमने उनसे कहा देखिए हम यहां सौदा करने नहीं आए हैं, हम यहां सौदा करने नहीं आए हैं, हम यहां
उत्तर प्रदेश को बदलने आए हैं और हम किसी से सौदा नहीं करने वाले हैं। आप जाइए, चुनाव लड़िए, शायद हमारा नुकसान हो जाए, शायद हमें 5 सीटें मिले, शायद 2 मिले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम सौदा किसी से नहीं करने वाले हैं। हम यूपी की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं, किसी से सौदा नहीं करेंगे। वो गए, उन्होंने हमें कहा कि आप बच्चे हो, आपको यूपी की राजधानी राजनीति अभी समझ नहीं आई, हमसे कहा। और हमने उनसे कहा, देखिए ठीक बात है, आप में बहुत, आप लोगों में बहुत जानकारी है, आप सब कुछ जानते हैं, हमारी नीयत साफ है, आप लड़िए, हम लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। 2009 का चुनाव हुआ, चुनाव से पहले उम्मीद की साइकिल वाले, नहीं पंचर होने से पहले उम्मीद की साइकिल वाले कल्याण सिंह जी से ऐसे गले मिल लिए, गला मिल लिए ऐसे। हमने उनसे पूछा, उनके लोगों से पूछा, ये आपने क्या किया? ये वही कल्याण सिंह है जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था। और उन्होंने मुझे क्या कहा, मैं बताता हूं आपको कि राहुल जी, आपको अभी यूपी की राजनीति नहीं समझ आई, मुसलमान समाजवादी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हमने उनसे कहा, ठीक है भैया, देखते हैं क्या होता है। 2009 के चुनाव में हमें 22 सीटें मिली, उन्हें 21। हम सच्चर कमीशन लाए, सच्चर कमीशन ने क्या कहा कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं वो पीछे रह गए। मैंने आपसे पहले कहा था, कांग्रेस पार्टी आम आदमी की सरकार चलाती है, सबको जोड़कर ले जाती है, एक साथ ले जाती है, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को। तो हमने क्या किया, दो तीन काम किए। सबसे बड़ा काम शिक्षा में, हजारों स्कॉलरशिप्स भेजी उत्तर प्रदेश, एक स्कॉलरशिप नहीं मिली आपको। हर डिस्ट्रिक्ट में जहां अल्पसंख्यक भाई बहन है, आबादी ज्यादा है, वहां पैसा भेजा, हाथी खा गया। फिर हमने बात की रिजर्वेशन की, हमने कहा कि आरक्षण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बात की, मायावती जी एकदम खड़ी हो गई, उन्होंने कहा, मैं चिट्ठी लिख रही हूं प्रधानमंत्री जी को, आरक्षण होना चाहिए। 5 साल आपने यहां सरकार चलाई, 4 बार आप मुख्यमंत्री बनी, तब तक आपने नहीं सोचा आरक्षण होना चाहिए? जब सोचा, जब मनमोहन सिंह जी ने बात की, मुलायम सिंह यादव जी खड़े हो गए, घबरा गए कि भैया ये क्या करा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ये क्या कर रही है। फिर कहते हैं, पत्रकारों ने उनसे पूछा, मुलायम सिंह यादव जी क्या सोचते हैं आप आरक्षण के बारे में? ये बड़े चालाक होते हैं पत्रकार, इन्होंने पूछा क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। जैसे अभी सन्नाटा है वैसा सन्नाटा छा गया था, एक शब्द नहीं निकला मुलायम सिंह यादव जी के मुंह से, एक शब्द नहीं निकला। जब हमने आरक्षण किया, एकदम खड़े हो गए, कहते हैं कम किया, ज्यादा आरक्षण करना चाहिए था। राज किया आपने यूपी में, क्यों नहीं किया? केरल में हुआ, हमने किया, आंध्र में किया, कर्नाटक में किया, आपने यूपी में क्यों नहीं किया? मायावती जी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि नहीं करना चाहते थे, इसलिए नहीं किया। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, अच्छा ठीक है, अगर 28% करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि 28% करना चाहते हैं, तो अपने मैनिफेस्टो में लिख लें कि 28% करेंगे, या ऐसे एक भाषण में खड़े होकर कह दें कि वो नहीं, 28 कहा था, 28 भी कहा था, 18 भी कहा था, 28 पहले कहा था, 18 बाद में कहा था। तो ऐसे एक भाषण में कह दें
कि मैं 18% अल्पसंख्यकों का रिजर्वेशन कर दूंगा, कोई नहीं रोक रहा उनको। मगर मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे। लिख के ले लो, कभी नहीं कहेंगे और कभी नहीं करेंगे। नौकरी के लिए पैसा मांगते हैं, रोजगार के अधिकार का पैसा चोरी करते हैं। अभी भोजन का अधिकार की बात हो रही है, हाथी के मुंह में पानी आना शुरू हो रहा है, मगर वो भूल गया है कि चुनाव आ रहे हैं और उसको लेटाया जाएगा। अब आप 22 साल से फंसे हुए हो, 5 साल हमें दो, कांग्रेस पार्टी को दो, यूपी के युवा को दो, 5 साल में बदलाव शुरू हो जाएगा, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे, 10 साल में आप अपने प्रदेश को नहीं पहचानोगे। कांग्रेस पार्टी ने आंध्र को बदला, दिल्ली को बदला, महाराष्ट्र को बदला, असम को बदल रहे, केरल को बदला, उत्तर प्रदेश को हम बदल डालेंगे। मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, अब सुनो, अच्छी तरह सुनो, मैं यूपी का एक युवा हूं आप जैसे, अच्छी तरह सुनो, मैं यहां चुनाव जीतने नहीं आया हूं, मैं यहां उत्तर प्रदेश को बदलने आया हूं और मैं यहां से नहीं हटूंगा जब तक उत्तर प्रदेश बदलेगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, राहुल गांधी यहां से नहीं हिलेगा जब तक ये प्रदेश बदलेगा। आप सब यहां आए, दूर दूर से आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।